अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की बेटी और बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी की लोकसभा प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा है कि अगर चुनाव के बाद जनता ने इंडिया ब्लॉक को मौका दे दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सारे बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। मीसा भारती ने पीएम मोदी के इंडिया ब्लॉक पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब पीएम आते हैं तो वो हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। मीसा भारती ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। इससे पहले मीसा भारती ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा था कि हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, समय निकालकर पूजा करने जाएंगे। अयोध्या का राम मंदिर कोई मोदी जी और बीजेपी का थोड़ी ही है। नीतीश कुमार की ओर से जब पीएम मोदी के पैर छुए गए थे उस आरोप पर भी मीसा ने कहा था, ये तो हमारे संस्कार की बात है, बस देखना ये है कि मोदी जी उम्र में बड़े हैं या नीतीश जी। आपको बताते चलें कि आरजेडी ने इस बार भी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला इस सीट से मौजूदा बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव से होगा। 2019 के चुनाव में मीसा भारती बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव से 39,000 वोटों से हार गई थी। मीसा भारती के अलावा छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो ग्रामीणों को अपनी क्षेत्रीय गोंडी भाषा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कवासी लखमा जीतोड़ नरेंद्र मोदी ढोलतोर, यानी कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा, खेल खत्म, राम राम, ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब कवासी लखमा चुनाव प्रचार के लिए बीजापुर जिले के कुटरू गए थे। कवासी लखमा के विवादित बयान को लेकर कोंडा गांव भाजपा ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने लखमा को ओछी मानसिकता का बताया है। आपको बताते चलें कि कवासी लखमा जो हैं वो छत्तीसगढ़ की कोंटा विधानसभा सीट से लगातार 6 बार के विधायक हैं। अब की बार कांग्रेस ने उन्हें बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने यहां से महेश कश्यप को मैदान में उतारा है और इस सीट से मौजूदा सांसद कांग्रेस के दीपक बैज हैं। इधर मीसा भारती और कवासी लखमा की पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी की ओर से भी जवाब आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं विपक्ष के सभी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर यह अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है। आपको बताते चलें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी। पाटलिपुत्र सीट जहां से मीसा भारती खड़ी हुई है उस पर 7वें यानी आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां की टोटल 11 सीट हैं लोकसभा की, 11 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी और बस्तर की जो सीट है
उसमें पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे जो हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, कैंडिड डस्टिंग पाउडर, आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।